पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर संसद को किया संबोधित, कहा विभिन्नताओं से भरे देश को एक संविधान में पिरोना नहीं था आसान। पीएम मोदी ने कहा अगर संविधान निर्माताओं में राष्ट्र पहले वाली भावना नहीं होती तो एक पन्ना रचने में भी होती दिक्कत। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। परिवारवाद पर पीएम मोदी का सीधा वार, बोले जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते। पीएम मोदी ने कहा आज पारिवारिक पार्टियां बड़ी चिंता का विषय है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार का प्रभुत्व बढ़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। विपक्ष के बहिष्कार पर भी पीएम का वार, बोले ये कार्यक्रम किसी एक दल का नहीं था। सरकार के विरोध में विपक्ष ने किया संसद में संविधान दिवस के कार्यक्रम से किनारा, लेफ्ट टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, डीएमके समेत 14 पार्टियों ने किया बहिष्कार। मुंबई में आतंकी हमले की बरसी पर 26/11 के बलिदानियों को पीएम मोदी ने आज संसद में किया नमन। संविधान दिवस पर मणिपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अंबेडकर के योगदान को किया याद। किसान आंदोलन की सालगिरह पर आज तक पर राकेश टिकैत और हरियाणा के मंत्री अनिल विज की भिड़ंत, विज ने टिकैत पर लगाया बयान बदलने का आरोप। विज पर टिकैत का पलटवार, कहा जो चाहे बोले लेकिन बिना एमएसपी गारंटी के खत्म नहीं होगा आंदोलन। अनिल विज का टिकैत से सवाल, 3 कृषि कानून खत्म होने पर क्यों नहीं मनाया जश्न। उसके सवाल पर भड़की टिकैत, कहा 750 किसान मारे गए, जश्न की बात नहीं। इधर लाभ तो किसान को एमएसपी गारंटी कानून सा होगा ना, वो दे दो, वो दे नहीं रहे, एक बहस चलवा दी नहीं सरकार ने। यूपी के सीतापुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष की तरह आंदोलनकारियों पर नहीं चलवा सकते गोली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आंदोलन को समर्थन, किसानों के पक्ष में किया ट्वीट। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे किसान, दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ा जमावड़ा। नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी, राकेश टिकैत बोले खेत से अब संसद की ओर चलेगा ट्रैक्टर। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने भी कसी कमर, गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड्स। सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, बोले ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी नहीं की तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा। सिद्धू ने उठाया ड्रग्स का मुद्दा, बोले नशे की वजह से बर्बाद हो रही नौजवान पीढ़ी।
मोगा में पंजाब के सीएम चन्नी ने भी की रैली को संबोधित, केजरीवाल को बताया अफवाह फैलाने की मशीन। कैप्टन अमरिंदर के परिवार पर कांग्रेस का एक्शन, पत्नी परनीत कौर को भेजा नोटिस। पटियाला नगर निगम में कैप्टन खेमे को बड़ा झटका, विश्वास मत हारने के बाद सस्पेंड किए गए मेयर। आज जबरदस्त वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर, स्मॉग ने सांस लेना किया दूभर। देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर, 403 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली के शंकर रोड, मोदी बाग, धौला कुआं इलाके में छाया धुंध और धुएं का गुब्बार। पराली जलाने की घटनाएं घटने के बावजूद नहीं कम हो रहा प्रदूषण, गुरुवार को सिर्फ 2% दर्ज हुई प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी। तेलंगाना के खम्मन में कोरोना से हड़कंप, हाईस्कूल के 8 छात्र पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सागर में घूसखोर प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार, रुके हुए वेतन के एवज में नेत्रहीन शिक्षक से मांगी थी 9,000 की रिश्वत। सहारनपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला से बदसलूकी पर हंगामा, परिजनों का आरोप, पैसे नहीं देने पर नर्सों ने की मारपीट। मुरादाबाद के तहसील दफ्तर में युवक को कर्मचारियों ने पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उल्टे पीड़ित को ही हिरासत में लिया। बिहार के आरा में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा, मुखिया प्रत्याशियों के बीच फायरिंग में 6 लोग जख्मी। बिहार के पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया सितारों की एंट्री, वैशाली में मुखिया प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में एक मकान में भड़की आग, झुलसने से बुजुर्ग की मौत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सड़क किनारे की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हिसार में एलएलबी छात्रा की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में भाई पर हमले का शक। तेलंगाना के रजकोंडा में ट्रक से 180 क्विंटल गांजा बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में 250 साल पुराने मंदिर में चोरी, अष्टधातु की 2 मूर्तियों के साथ कीमती गहने भी उड़ा ले गए चोर।